कैसे हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ आईक्यू का न्यू सेवन प्रो 5G और दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023, इन दोनों स्मार्टफोन का अगर प्राइस की बात करी जाए तो प्राइस में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के S21 FE 2023 को 32,499 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ आईक्यू न्यू सेवन प्रो 5G को 32,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जानने के लिए आज के इस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में सिर्फ 500 रुपीज का ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है आईक्यू का न्यू सेवन प्रो 5G, क्योंकि आईक्यू के न्यू सेवन प्रो 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+Gen 1 का एक फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को आईक्यू के न्यू सेवन प्रो 5G में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंतु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है आईक्यू का न्यू सेवन प्रो 5G, क्योंकि आईक्यू के न्यू सेवन प्रो 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है वो 12,81,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 का जो अंतु स्कोर निकल के आता है वो 6,85,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFS स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो आईक्यू न्यू सेवन प्रो 5G को जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 7,300 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के S21 FE 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो सिर्फ 4,200 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, प्राइस में सिर्फ 500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो आईक्यू न्यू सेवन प्रो 5G काफी बेटर हो जाता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करें, जरूर डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को गैलेक्सी के S21 FE 2023 में बेटर देखने को मिल जाती है। 6.4 इंच की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ आईक्यू न्यू सेवन प्रो 5G में 6.78 इंच की बिग साइज की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी मेगापिक्सल में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन बेस्ट है। एक्सीलेंट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ आईक्यू न्यू सेवन प्रो 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.88 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी की दो कैमरे 8+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के S21 FE 2023 के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 12MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 12+8MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023, क्योंकि गैलेक्सी के S21 FE में 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ आईक्यू न्यू सेवन प्रो 5G में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी के मामले में भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है आईक्यू का न्यू सेवन प्रो 5G, क्योंकि आईक्यू के न्यू सेवन प्रो 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 120W के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 में
4500 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है, सिर्फ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ यूएसबी टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करें जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग इतनी ज्यादा नहीं करते, एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले के साथ और बैटरी बैकअप से कंप्रोमाइज कर सकते, तो आप लोगों को गैलेक्सी के S21 FE 2023 की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो और सेल्फी कैमरे से कंप्रोमाइज कर सकते, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को IQ के Neo 7 Pro 5G की तरफ जाना चाहिए।